नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट यानी पुरुष रोग विशेषज्ञ। आज का टॉपिक है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या कोई लेटेस्ट थेरेपी अवेलेबल है, और जो मैं आज आपसे थेरेपी की बात करने वाला हूँ उसका नाम है लीनियर शॉकवेव या लो इंटेंसिटी शॉकवेव थेरेपी। आज से पहले पुरानी मशीनों को ED 1000 या रेनोवा बोलते थे, पर अभी इस मशीन के अंदर काफ़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई है, और जो करंट सबसे लेटेस्ट सबसे इफेक्टिव मशीन इसके लिए अवेलेबल है इंडिया में उसको बोलते हैं पीजो वेव 2। ये रिचर्ड वुल्फ कंपनी बनाई हुई मशीन है जो जर्मन मेड है, इम्पोर्टेड मशीन है, और इस मशीन से पेनिस के प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स में बहुत फ़ायदा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन से सफ़र करने वाले पेशेंट्स में बहुत फ़ायदा है। आप जैसे जानते हैं कि मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैं एक साइंटिफिकली क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं कभी भी आपको कोई भी गलत चीज़ या गलत थेरेपी के बारे में कभी बताता नहीं। ये मशीन एक्चुअली वर्क करती है, और वर्ल्ड ओवर कई कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में, जर्नल्स में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, डॉक्टर्स में इस मशीन के बारे में बहुत चर्चा है। आप अगर दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो मैंने इस मशीन से होने वाले फ़ायदे, इस मशीन से होने वाले पेशेंट्स को फ़ायदे, और इस मशीन से जितनी भी पुराने स्टडीज़ है उनको कोलेट किया है। बेसिकली लीनियर शॉक में होता क्या है, बेसिकली ये मशीन है, ये मशीन के अंदर एक जनरेटर है जो साउंड वेव्स बनाती है। साउंड वेव मतलब कि साउंड मतलब जो हम सुनते हैं, तो अगर हम बहुत तेज़ फ्रिक्वेंसी से इन साउंड वेव्स को कहीं पर केंद्रित करें तो ये साउंड वेव्स काफ़ी डैमेज करती है। तो इस मशीन के अंदर एक ये हैंडल या एक प्रोब है जिसके अंदर साउंड वेव्स क्रिएट होती है जैसे जब इसको ऑन करते हैं, और ये साउंड वेव्स को हम जो पेशेंट की पेनिस है, पेशेंट की पेनिस पे केंद्रित करते हैं। तो नॉर्मली क्या है कि जो पुरानी मशीनें हैं उनके अंदर पूरा पेनिस कवर नहीं हो पाता, बट क्योंकि इसका प्रोब बड़ा है और इसका प्रोब लीनियर है तो ये गोल डब्बे की बजाय एक कंटिन्यूस स्ट्रेट में पूरे पेनिस को कवर कर सकती है। तो जब ये साउंड वेव्स पेनिस के अंदर जाती है तो ये साउंड वेव पेनिस के अंदर चार फायदे करती है। सबसे पहला फ़ायदा है कि अगर पेनिस के अंदर किसी ब्लड फ्लो के अंदर ब्लॉकेज है, जैसे हार्ट में आर्टरी ब्लॉक होती है, अगर पेनिस के अंदर कोई आर्टरी ब्लॉक्ड है तो उस ब्लॉकेज को ये मूव करती है। सेकंड, ये साउंड वेव जाके अंदर डैमेज करने से जब हीलिंग पार्टिकल्स आते हैं तो वो हीलिंग पार्टिकल्स आने से पेनिस के अंदर नई ब्लड सप्लाई फॉर्मेशन होती है। प्लस ये साउंड वेव शियर स्ट्रेस मतलब कि जब ये अंदर टिश्यूज़ को हिलाती है तो उस कारण से होने वाले ग्रोथ फैक्टर से पेनिस के अंदर फिर से नई ऊर्जा पैदा होती है। ये मशीन सब मरीजों के लिए नहीं है। अगर आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत सीवियर है, बहुत ओल्ड है, डायबिटीज़ है, बहुत ज़्यादा बीपी है, तो उसमें ये मशीन बहुत फ़ायदेमंद नहीं है, उन पेशेंट्स को फिर पिनाइल इम्प्लांट की ज़रूरत होती है। अगर आप बहुत यंग है, सिर्फ स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, शादी होने वाली है, तो एंग्जाइटी या डिप्रेशन या स्ट्रेस के पेशेंट्स के अंदर भी इस मशीन का फ़ायदा नहीं है, उनमें दवाइयाँ काम करती है। पर अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अर्ली फीचर है, अर्ली फीचर मतलब कि इरेक्शन तो होता है पर पूरा टाइट नहीं होता, लूज़पन रहता है, उम्र बढ़ गई है, अभी जितना जवानी में था उतना इरेक्शन नहीं है, धीरे धीरे इरेक्शन जो है वो लूज़ होकर डाउन हो रहा है, तो उन पेशेंट जिनके अंदर माइल्ड टू मॉडरेट ईडी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, पर हाँ डेफिनेटली ईडी है, और जो रोज़ दवाइयाँ, रोज़ इंजेक्शन, रोज़ टैबलेट नहीं खाना चाहते, उन मरीज़ों के अंदर 5 से 6 सेशन अगर हम मशीनों के दें तो आपको फिर से अपनी जो एक अर्लियर इरेक्शन था, एक अर्लियर हार्डनेस था, एक अर्लियर स्ट्रेंथ थी, वो वापस मिल सकती है। नॉर्मली इस मशीन के अंदर हम 5 से 6 सेशन लेते हैं पेशेंट्स के, एक सेशन 10 मिनट का होता है जिसमें हम आपको 4 से 5 हज़ार शॉक्स पेनिस पे लगाते हैं। ये शॉक्स पेनलेस होते हैं पर डेफिनेटली थोड़ा पेन तो होगा, क्योंकि अगर पेनिस में शॉक्स लग रहे हैं और पेन नहीं हो रहा मतलब मशीन काम ही नहीं कर रही, तो थोड़ा सा पेन होगा, थोड़ा सा फील होगा, वो पेन चले जाता है, आप उसको टॉलरेट कर लेते हो, और ओवर द नेक्स्ट 1-2 वीक्स दवाइयों के सहारे और एक्सरसाइज के सहारे आपको अपने पेनिस के अंदर फिर से वही हार्डनेस महसूस होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ में टेक्निक पी शॉट है, पी शॉट मतलब PRP थेरेपी। अगर किसी पेशेंट को थोड़ा मॉडरेट से ज़्यादा है, जिसकी थोड़े पिनाइल डॉपलर पर थोड़ा ज़्यादा फ्लो कम है, तो उन पेशेंट्स में हम पी शॉट प्लस इस मशीन के कॉम्बिनेशन से काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और आप चूर्ण, गोलियाँ और आयुर्वेद दवाई खा के थक चुके हैं और आप कुछ जेन्युइन साइंटिफिक ट्राई करना चाहते हैं, तो लीनियर शॉकवेव थेरेपी, स्पेशली पीजो वेव 2 मशीन से की गई लीनियर शॉकवेव थेरेपी को ज़रूर चांस दे, एक ट्राई करके देखिए, इससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगर आप दिल्ली आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं और आप इस टेक्निक को आजमाना चाहते हैं तो आप आके मुझसे मेरे क्लिनिक में मिल सकते हैं। कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उनको सॉल्व करूँगा। इस मशीन के बारे में साइंटिफिक एविडेंस या बाकी डॉक्टर्स क्या कहते हैं उसको पढ़ने के लिए मेरी वेबसाइट पर जरूर जाइए, और मुझसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन या फेसबुक पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू, नमस्कार।